हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि LIC एजेंट कैसे बनते हैं। दोस्तों, अभी के टाइम में बहुत अधिक यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा, बहुत अधिक लोग पूछ रहे कि LIC एजेंट कैसे बनना है, कैसे बना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को LIC एजेंट से रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, एग्जांपल के लिए LIC एजेंट को सैलरी मिलता है या फिर कमीशन मिलता है, LIC एजेंट कैसे बनते हैं, LIC एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं LIC एजेंट से रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूं आपको। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से आप लोगों के लिए इस टाइप का वीडियो बना के लाता रहता हूं जो कि काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को सारा चीज दिखाता हूं, सारा प्रोसेस बताता हूं कि अगर आप LIC एजेंट बनने का सोच रहे हो तो आप कैसे बन सकते हो, LIC एजेंट के लिए आप लोगों को क्या क्या करना होगा, सारा चीज दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहां पर देख रहे होंगे, जैसे कि देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है हाउ टू बिकम एन LIC एजेंट, मतलब LIC एजेंट कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, उसके नीचे जस्ट देख सकते हो कि लिखा हुआ है LIC एजेंट बनने के लिए आप लोगों का 18 साल मिनिमम होना चाहिए। मतलब दोस्तों, 18 साल आप लोगों का होना चाहिए LIC एजेंट बनने के लिए, तो ही आप बन सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो ज्यादा इसमें हाई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। दोस्तों, आप लोगों को केवल 10th पास होना चाहिए LIC एजेंट बनने के लिए। इसके अलावा ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं, मतलब क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों को दोस्तों 10th पास होना चाहिए, 10th पास मैंडेटरी है। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को ये बताया है कि दोस्तों देखिए, LIC एजेंट बनने के लिए, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या फिर प्राइवेट सेक्टर हो गया, उसमें एक फॉर्म निकलता है, मतलब उसका जॉब का वैकेंसी निकलता है। तो उसी टाइप का दोस्तों LIC एजेंट का भी वैकेंसी निकलता है। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि LIC ऑफिस में, जहां पर आप रहते हो उसके आसपास के एरिया में LIC ऑफिस में आप लोगों को जाना है, और जाने के बाद आप लोगों को एक फॉर्म लेना है LIC एजेंट का, जो फॉर्म आप लोगों को LIC ऑफिस से मिल जाएगा। दोस्तों, ये फॉर्म को आप लोगों को जाके ध्यान में रखना होगा, एक दो बार, तीन चार बार विजिट करना होगा महीना में, क्योंकि दोस्तों ये LIC एजेंट का जो फॉर्म होता है वो ऑफिशियली, मतलब ऑफिस में ही आ जाता है। उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को बार बार जाना होगा, पता करना होगा, अगर आ गया होगा फॉर्म तो आप लोगों को काफी आसानी से ऑफिस के तरफ से आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं सेकेंड स्टेप के बारे में बात करता हूं, तो दोस्तों ये फॉर्म को ले लेने के बाद LIC ऑफिस से आप लोगों को अच्छे तरीका से फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों, आप लोगों को जो ऑफिस से आप LIC का ये फॉर्म लिए थे एजेंट का, एजेंट बनने के लिए, उसी ऑफिस में आप लोगों को जमा करना होगा। उसके अलावा दोस्तों, ये थर्ड स्टेप में जैसे कि आप देख सकते हो, अपन रजिस्ट्रेशन यू मस्ट हैव टू टेक 24 आवर ऑफ द मैंडेटरी एजेंट ट्रेनिंग। मतलब दोस्तों, ये फॉर्म लेने के बाद अगर आप फॉर्म ले लेते हो ऑफिस से, उसके बाद उसको भर देते हो, भरने के बाद कुछ दिन के बाद आप लोगों का एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, LIC एजेंट का ट्रेनिंग मिलेगा। ये ट्रेनिंग को अगर चाहते हो आप, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा गया है, अगर आप चाहते हो ये ट्रेनिंग को ऑफिस में ही लेना है, LIC के ऑफिस में, तो वहां पर भी आप ले सकते हो, अदरवाइज आप अपने घर पे बैठ के भी ये ट्रेनिंग ले सकते हो, ऑनलाइन ये ट्रेनिंग होगा। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या बताया जाएगा, ये ट्रेनिंग में आप लोगों को LIC एजेंट से रिलेटेड सारा कुछ बताया जाएगा, जैसे कि मतलब LIC को, मतलब जो LIC इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी जैसे रहता है, उसको कैसे मार्केट में सेल किया जाता है, सबसे पहले आप कहां से लीड जनरेट कर सकते हो, ये सब दोस्तों सारा चीज ये आप लोगों को 25 घंटा का जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। ये ट्रेनिंग को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से रिलेटेड आप लोगों को एक एग्जाम भी होने वाला है आगे चल के, मैं बताऊंगा, जिस एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा LIC एजेंट से रिलेटेड, जो कि यही ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर देख सकते हो स्टेप नंबर 4 में, वंस योर ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड यू मस्ट हैव टेक अ प्री, देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ दोस्तों, एग्जामिनेशन हेल्ड बाय। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग को लेने के बाद 25 घंटा का ये ट्रेनिंग रहता है, LIC से करवाया जाता है हर एक एजेंट को जो कि नया एजेंट ज्वाइन करते हैं LIC कंपनी में। तो दोस्तों, LIC का ये जो देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है
कि ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों उसका एग्जामिनेशन मतलब लिया जाता है। तो ये एग्जामिनेशन जो है वो LIC की तरफ से करवाया जाता है दोस्तों, यहां पर देख सकते हो लिखा गया है, इस जगह देख लीजिए, वो LIC के तरफ से, LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके तरफ से ये एग्जामिनेशन हिल्ड होगा, मतलब कि एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मान लो कि आप एग्जामिनेशन में पास हो जाते हो, तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों साफ साफ, आफ्टर यू हैव सक्सेसफुली क्लियर योर एग्जामिनेशन यू कैन अप्लाई फॉर अ लाइसेंस विद LIC। मतलब दोस्तों ये जो एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, जो कि ये एग्जाम LIC की तरफ से लिया जाता, उसके बाद आप लोगों को दोस्तों एक लाइसेंस के लिए, मतलब एक लाइसेंस के लिए ऑफिसी में बोलना होगा दोस्तों, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वो भी तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये LIC का एजेंट के लिए आप लोगों को एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि एग्जाम क्लियर करने के बाद, ये जो LIC का एग्जाम करवाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो क्लियर करने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक मतलब क्या लाइसेंस के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। लाइसेंस मिलने के बाद दोस्तों देख सकते हो स्टेप नंबर 6, द कंपनी विल वेरीफाई एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड यू द अपॉइंटमेंट लेटर एंड वेरीफाई। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मान लो आप ये मतलब जैसे कि मैं बताया लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, तो वहां पर आप लोगों का सारा कुछ वगैरह चेक होता है कि मतलब आप एग्जामिनेशन में कितना नंबर लाए थे, ये सारा चीज चेक होने के बाद आप लोगों को एक वैलिड डॉक्यूमेंट वगैरह, अपॉइंटमेंट लेटर, और एक देख सकते हो दोस्तों यहां पर लिखा गया है आइडेंटिटी कार्ड जो है आप लोगों को कंपनी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से LIC कंपनी में आ जाएगा, वहां पर से जाके ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन आप ये आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज और यहां पर बताऊंगा, एक दो चीज है दोस्तों, वीडियो को आराम से एकदम देखिएगा, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप करके, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके समझा रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों कमीशन अर्न बाय LIC एजेंट, तो LIC एजेंट को दोस्तों कमीशन मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है, LIC एजेंट को सैलरी नहीं दोस्तों कमीशन मिलता है। तो कमीशन क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों, आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लूंगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ प्लान का नाम है एंडोरमेंट प्लान, अगर मान लो आप सेल करते हो, मतलब LIC का बहुत तरह का प्लान होता है जो दोस्तों, अगर मान लो आप एंडोरमेंट प्लान सेल करते हो, तो दोस्तों ये प्लान होता है 15 साल, 10 साल, 5 साल, 2 से 4 साल के लिए, मतलब ये प्लान जो है दोस्तों चार देख सकते हो चार हिस्सा में डिवाइड किया गया है। पहले आप लोगों का 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 से 4 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर 15 साल के लिए आप ये प्लान किसी को भी सेल करते हो, मतलब कोई भी आपसे LIC करवाता है, तो आप लोगों को 25% कमीशन मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों 20% है अगर 10 साल के लिए करवाओगे, तो 5 साल के लिए करवाओगे तो दोस्तों 10% है, और अगर 2 से 4 साल के लिए तो आप लोगों को 5% कमीशन मिलेगा, ये LIC का। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कि ये तो दोस्तों हो गया फर्स्ट साल, ये फर्स्ट साल आप लोगों को इतना इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, और उसके बाद सेकेंड और थर्ड साल, मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर जो प्लान करवाते हैं LIC का दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 10 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 2 से 4 साल, तो आप लोगों को सेकेंड ईयर भी कमीशन मिलने वाला। तो सेकेंड ईयर कितना कमीशन मिलेगा, 7.5%, 10 साल के लिए बेचोगे तो 7.5%, फिर 5%, फिर 2.5%, 2.25% है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा 4 साल से लेकर जब तक LIC चलेगा तब तक दोस्तों 5% आप लोगों को ये कमीशन वगैरह मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये तो कौन सा प्लान का है, तो ये हो गया दोस्तों एंडोरमेंट प्लान के बारे में। उसके अलावा दोस्तों और भी कुछ प्लान होता है, जैसे यहां पर देख सकते हो LIC का मनी बैक प्लान है, मनी बैक पॉलिसी होता है। अगर मान लो मनी बैक पॉलिसी को आप सेल करते हो, तो ये पॉलिसी देख सकते हो 12 साल के लिए है, तो अगर 12 साल के लिए ये पॉलिसी को आप बेचते हो, तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर 15% कमीशन मिलेगा, दूसरा साल भी दोस्तों 15% कमीशन है, उसके बाद सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक देख सकते हो दोस्तों 10%, 8% कमीशन होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो कि आप 4 साल से लेकर जब तक ये LIC चलेगा, कौन सा LIC, तो मनी बैक प्लान, तो आप लोगों को 6% कमीशन वगैरह मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों एक यहां पर और प्लान है, चाइल्ड प्लान है, बच्चों के लिए प्लान होता है चाइल्ड प्लान, ये भी प्लान दोस्तों देख सकते हो 9 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 से 4 साल के लिए, तो इसमें आप लोगों को फर्स्ट ईयर 10% प्लान में जो भी प्लान करवाओगे उसका 10% आपको मिलेगा कमीशन। उसके अलावा 7.5%, 5 to 10 ईयर, उसके बाद 5%। उसके बाद दोस्तों अगर सेकेंड ईयर से बात करेंगे, सेकेंड ईयर से लेकर जब तक वो प्लान चलेगा, मतलब मान लो 12 साल का प्लान, 9 साल का, 5 साल का, 2 साल का,
तो आप लोगों को 5%, 5%, 2% मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, देख सकते हो यहाँ पर एक और प्लान है जैसे कि पेंशन प्लान है। पेंशन प्लान में दोस्तों देख सकते हो ये मोर देन 4 ईयर, 4 साल का है, फिर 2 से 4 साल के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर आप लोगों को 7.5% कमीशन मिलेगा, उसके अलावा 5% मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो जब तक प्लान चलेगा, कौन सा प्लान, तो ये पेंशन वाला प्लान, तो आप लोगों को 2% हर एक साल कमीशन मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो LIC का प्लान था ये सारा मैं आप लोगों को डीपली बता दिया, मतलब प्लान नहीं कमीशन वगैरह कितना मिलने वाला है। आज से उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया है। अगर आप LIC एजेंट बनने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को मेरे देख सकते हो, देख के आप लोगों को काफी अच्छा जानकारी मिल जाएगा कि कैसे कैसे आप LIC एजेंट बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर कुछ भी चीज आप लोगों को पूछना होगा, मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को अच्छे तरीका से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।